मर्डर हो गया अभी। तिवारी जी से वो लोग 10 मिनट पहले फ़ोन किए थे, बातचीत किए, उसके बाद वो लोग आए तो सिपाही जो था वो सोया हुआ था, बूढ़ा सिपाही था वो लाठी लेकर सोया हुआ था, वो लोग डायरेक्ट ऊपर आ गए और आए उसके बाद से तिवारी जी अंदर से आए बाहर रूम में, उसके बाद से रूम में आए तो वो लोग बातचीत किया, आधे घंटे बातचीत किया, उनको दही बड़ा खिलाया, उसके बाद चाय बना के पिलाया, फिर उसके बाद से वो एक कोई मुस्लिम लड़की की हिंदू लड़की से शादी की बात चल रही थी इसी मैटर पे, फिर वो जो गुंडे थे वो सिगरेट लाने के लिए बोला, 100 का नोट दिया और बोला कि गोल प्लेट लिख 5 सिगरेट लेके आओ, मैं बगल की दुकान से जा कर ले कर आ रहा, वो सोचा मौका ढूंढ रहा था, जब तक 2 मिनट के अंदर मैं आ गया, फिर तिवारी जी बोले कि जाओ मसाला ले कर आओ, फिर मैं गया मसाला लाने, जब तक आया उधर से तो 3 आदमी गायब थे और टेबल के नीचे गुरु जी पड़े हुए हैं, कमलेश तिवारी जी पड़े हुए हैं और वो दोनों फरार हो गए थे, और उसके बाद मैं देख रहा हूँ इधर उधर कोई कहीं नहीं, फिर खून देखा तो मुझे हिम्मत नहीं बना, उसके बाद से पुलिस को फ़ोन कर रहा हूँ आधे घंटे से, कोई पुलिस 100 नंबर लग ही नहीं रही, उसके बाद वो लोग पता नहीं कहाँ चले गए और वहाँ जो कैमरा लगी हुई है वो भी काम नहीं करती है, तिवारी जी बार बार बोलते हैं कि यहाँ फोर्स बढ़ाओ फोर्स बढ़ाओ, लेकिन वो बुढ़ऊ को रख दिए तो वो जब भी आते हैं वहाँ पे सोए लेते हुए रहते हैं बस इसके आगे। जी जी सर, 2 लगते, एक भगवा वस्त्र पहना था एक सादा वस्त्र पहना था, जानते हैं एक चेहरा पहचानते हैं, सामने आएगा तो पहचान लेंगे, नहीं पहले नहीं कभी, फर्स्ट बार आया थे वो लोग, हाँ बाइक से थे लेकिन ये बाइक में नहीं पहचाना, बाइक नहीं पहचान, मैं ऊपर था 2 मंजिले के, उम्र में 30-35 के आसपास दोनों थे, हाँ वहाँ पे रिवाल्वर पड़ी हुई है सफ़ेद कलर की और एक पैकेट पड़ी हुई है छोटी सी, पता नहीं उसमें विस्फोटक है क्या, मैंने साइड में रख दिया और उसके बाद से रहते हैं जहाँ पर इनका 2 मंजिल का मकान है। आज इनसे मिलने कोई 2 लोग आए थे और जो इनके साथ ऊपर पहली मंजिल में थे, जो इनके साथ बात भी कर रहे थे वहाँ पर, जैसे कि जो बताया गया है चाय वाय पी है इन्होंने, उनके साथ काफ़ी देर बात भी है, उसके बाद जब वहाँ पर किसी, जैसे कि बताया गया है कि किसी रंजिश को लेकर के वहाँ पर जो है उन्होंने वो लोग इन पर हमलावर हो गए और इनको घायल अवस्था में यहाँ ट्रॉमा सेंटर लाया गया जहाँ इन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। इसमें पुलिस ने कई टीमें इसमें लगा दी गई हैं धरपकड़ के लिए और जो इसमें डिटेल्स हैं वो खंगाली जा रही हैं, और जैसा कि मौके से जो सूचना आई थी कि 2 लोग यहाँ पर आए थे मिलने के लिए, वो 2 लोग कौन थे, यदि परिचित थे तो कौन थे और परिचित नहीं थे तो कौन थे, इन सभी पहलुओं पर एक जो है जांच की जा रही है और शीघ्र इनका धरपकड़ करके इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। उनका सिक्योरिटी गार्ड भी था उनके साथ, जैसा कि मैंने बताया जो 2 लोग आए वो ऐसा जो कुछ सबको वहाँ पे ये एक आभास हुआ कि ये परिचित हैं, पहले से जानते होंगे, लेकिन ये विवेचना का विषय है। उसमें गार्ड जो था वो नीचे ही था ग्राउंड फ्लोर पे और ये लोग फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर जो है ये घटना स्थल है। सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जो भी बातें सामने आएंगी आप लोगों को आगे और डिटेल में फिर बताएंगे। हिंदू महासभा के नेता थे, हिंदू समाज पार्टी, हिंदू समाज पार्टी के, और सर क्या अकेले ही थे और कोई इनके रूम में था उस समय? एक और जो बताया जा रहा है उस समय एक और व्यक्ति था, उसको उस समय कहीं पर वो चला गया था बीच में, पहले और लोग भी मौजूद थे, बाद में जो मौजूद था वो इनके साथ जो लड़का मौजूद था वो बोल रहा है शोर मचाने पर भी कोई नहीं आया था। ये बातें मैं अभी जा करके और भी हम लोग जानकारी जुटा रहे हैं, जैसा होगा आप लोगों का।